सो दावर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक है? ओके दावर, आपने प्ले के बारे में बताएं कि जो आपने अनकही प्ले लॉन्च करें इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये 1982 में बना था, हसीना मोइन का ये प्ले है और अब ये स्टेज पर हम बना रहे हैं दोबारा, लेकिन 1982 में ये 32 एपिसोड्स में था, 32 किस्तें, मगर 32 किस्तों को 80 मिनट में लाना उसके लिए बहुत चैलेंजेस है थे ऑब्वियसली। तो पहले तो मैंने इसको 1982 से निकाल के 2020 का प्ले कर दिया, तो अनकही ही है मगर आजकल का, क्योंकि वो स्टोरी एवरग्रीन थी, यूनिवर्सल थी, वो किसी भी दौर में यूज़ हो सकती है। तो इसको अनकही 2.0 समझाइए, वो अनकही नहीं है बिल्कुल भी। तो जो अनकही के फैंस हैं वो डिसअपॉइंट नहीं होंगे, जिनको मामू देखना है, जिब्रान देखना है और सलीम नासिर और शनाज शेख वाला और सब उनको, लेकिन जो बहुत बड़ी कम्युनिटी आज जिन्हें नहीं पता अनकही का, जिन्होंने नहीं देखा ये प्ले, उनके लिए भी तो मिडिल क्लास बड़ी अंदर बाहर कर दिखाई है। मैं जब एक एसी में चार लोगों ने सोना होता है क्या आज़ाद होता है, वो गीज़र में जब पानी नहीं आता गर्म तो क्या जंग होती है मिडिल क्लास में, तो बस उनकी आप देखेंगे स्टोरी, लव स्टोरी, लव ट्रायंगल। ओके, शनाज शेख को आपने लॉन्च किया एज आमना शेख के थ्रू, राइट? आमना इलियास के थ्रू। तो लाइक व्हाई आमना इलियास? ओके इट्स ओके, मैं भी गलतियां कर सकता हूँ और करता रहता हूँ हमेशा गलतियां। स्क्रिप्ट नहीं है आपके हमारे पास? अच्छा, तो यार आई थिंक 1982 में शराज शेख से अच्छा ही पार्ट कोई नहीं कर सकता था, आई थिंक 2020 में आमना से अच्छा ही पार्ट कोई नहीं कर सकता। दैट्स माय फीलिंग एज अ डायरेक्टर, द ऑडियंस बताई। ओके, मेरे बाद प्ले 15 मार्च से। Who else in the cast? इसके अलावा कौन कौन है इसमें? Lots of people actually. Like who? इसके नाम मैंने भी पूछने जाके। So आज पहली रिहर्सल है यार, मतलब। Okay, okay, thank you. मतलब ये कि आप सब देख चुके हैं, इसलिए मुश्किल ये होती है कि जब एक चीज को आप देख चुके होते हैं फिर इन कंपैरिजन दूसरे को देखते हैं तो आपकी हमेशा नजरें ये कहती रहती हैं कि अच्छा इसमें ये खराबी है, ये खूबी है, ये खूबी है, ये खराबी है। तो इसलिए मैं हमेशा चूजी बहुत हूँ इस मामले में, कास्टिंग के मामले में, और मेरे डायरेक्टर्स थे वो हमेशा मुझे साथ रखते थे कास्टिंग में। तो इसलिए मुझे सना को भी मैं ही लेके आई थी उसके घर से, तो ये बस मुझे खुशी होगी अगर ये प्ले उसी तरह कामयाब रहा, और मुझे यकीन है कामयाबी होगा क्योंकि ये कुछ ऐसा मुश्किल प्ले नहीं है। लेकिन ये है कि कॉमेडी की टाइमिंग्स बड़ी जबरदस्त होती है, वो आप लोगों को अंदाजा है, आप लोग करते रहे हैं तो आप बेहतर कर लेंगे। तो काजी वाजिद का कैरेक्टर जो चेयरमैन थे अनकही में, काजी वाजिद ने प्ले किया था चेयरमैन का कैरेक्टर। एक सेकंड, जी सर, वो हसीना आपा चाहती है कि कैसे मैंने शुरू किया था, एक दो मिनट प्लीज 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 हसीना आपा वो माइक में बोले, मुझे आवाज नहीं आया। ये असल में अनकही जब शुरू हुआ था तो उससे पहले मेरी जो डायरेक्टर थी शीरीन खान, शीरीन अथर, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी और वो बीमार थी, तो मैंने काम करना छोड़ दिया था, मौसम साहब और मैं खाली थे उस वक्त। तो शोएब मंसूर ज़माने में कराची आ गए थे और शोएब बहुत मेरे पीछे लगे रहते थे कि आप मेरे लिए प्ले लिख दीजिए, आप लिखे तो सही, शायद आपको यकीन आ जाए कि मैं अच्छा करता हूँ। अच्छा, मुझे यकीन नहीं था क्योंकि वो यंग आदमी था, मैंने कहा लाहौर से आए हैं पता नहीं कैसा करते हैं, मेरे सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा, तो मैं हमेशा टाल देती थी। लेकिन जब मैं मजबूर हो गई और जेम ने कहा कि आपको करना ही करना है, किसी के भी साथ करें या तो अकेले मोहसिन के साथ करें, तो फिर जब शोएब ने दोबारा कहा तो हम लोग कॉरिडोर में जा रहे थे टीवी के, काफ़ी लोग साथ थे हमारे, तो शोएब ने कहा देखिए मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ कि एक प्ले सिर्फ मेरे साथ कर लें, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि मैं बेहतर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, फिर मत कीजिएगा। तो एकदम से मेरे मुंह से निकल गया चलो अच्छा कर लेते हैं। अच्छा, फौरन शोएब जो थे वहाँ सामने सीधे में गिर गए, लोगों ने कहा ये क्या हो रहा है, नमाज पढ़ी जा रही है, कहने लगा नमाज सिखा रहा हूँ मैं। तो ये इसकी इब्तिदा थी।
उसके बाद दूसरा जो वाकया हुआ वो हम शहनाज को ढूंढने गए. मुझे शहनाज बहुत अच्छी लगती थी, मैंने कहा था शहनाज ही ये कर सकेगी, तो हम उसके घर गए. अच्छा शहनाज मेरी बड़ी फैन है, तो उसने बड़ा मुझे वेलकम किया और बिठाया और कहा, मैंने उसे बताया कि शहनाज हम एक प्ले कर रहे हैं, तुम उसमें काम कर लोगी क्या. उसने फौरन सवाल किया डायरेक्टर कौन होगा. अब मैंने कहा कि डायरेक्टर तो ये शोएब मंसूर हैं. कहने लगी ये डायरेक्टर हैं, ये इतने से, इनके साथ तो मैं नहीं करूँगी. मैंने कहा ये क्या बात हुई, इनके साथ मोहसिन अली साहब है. फौरन बरमला झूठ बोला मैंने, हालांकि मोहसिन साहब तक नहीं थे. मैंने कहा इनके साथ मोहसिन साहब हैं, मोहसिन साहब सारी उम्र मेरे साथ करते रहे हैं, उन्होंने इतने सारे प्ले किए हैं. कहने लगी अच्छा मोहसिन साहब हैं तो मैं कर लूँगी. फिर उसने कहा कि अच्छा पैसे कितने मिलेंगे. मैंने कहा ये सब मुझे नहीं मालूम होता, ये तुम इनसे बात करना. और एक बात बड़ी अच्छी मैं आपको बताऊं कि टीवी पे बड़े कम पैसे मिलते थे और हम लोगों को पता भी नहीं होता था कि कितने पैसे मिलते हैं. मुझे धूप किनारे के आज तक नहीं मिले. लेकिन मैंने कहा वाकई धूप किनारे के आप मुझे आज तक नहीं मिले. शोहरत तो मिल गई. शहनाज ने बात की तो शोएब ने बड़ी खामोशी से ये मोहसिन साहब से तय किया कि जितने पैसे ये मांग रही हैं उसका जो बकाया हिस्सा है जो टीवी नहीं पे करेगा वो मैं पे कर दूंगा. अच्छा ये हम लोगों में से किसी को नहीं पता था, बहुत बाद में हमें पता चला जब शहनाज ने मुझे बताया और उसने कहा कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं ये पैसे वापस करूंगी और मुझे काम करने में मजा आ रहा है. तो ये इस तरह से ये अनकही हुआ. कि मैं हसीना जी के किसी भी प्ले में या किसी चीज में काम करूंगी, कभी उस लेवल पे आके सोचा नहीं. सो दिस इज समथिंग वेरी एक्साइटिंग फॉर मी. आई एम वेरी स्कैर्ड. और अब जबकि इन्होंने ये ड्राफ्ट कर ही दिया है कि मुझे इनकी सना से कम्पीट करना है, लेकिन मैं कोशिश ये करूंगी कि मैं कम्पीट नहीं करूँ. जो हम आज के इस थिएटर प्ले में करें, आई ट्राई कि मैं उसमें कुछ ऐसी नई चीज़ें लेके आऊँ जो कि ये देख के खुशी महसूस करें एंड शी शुड फील प्राउड. There's a lot of pressure on me, honestly. I've never done theatre in my life before. I'm a film actor, a TV actor. I used to be a fashion model. I've come a long way. This is another milestone in my career. And it's like first day of school for me. I'm so nervous, honestly. Because there's one thing I've realized that there's no action, there's no cut, there's no retake when you're on stage. And I'm so nervous and I'm so excited at the same time that my whole thought process is completely taken over by this excitement and nervousness that every minute after waking up, eating, sleeping, showering, I keep thinking ki main ab stage pe ye karungi, is scene mein main aisa kar lungi, main waisa kar lungi. To bas I hope ki aap logon ko acha lage jo main karu aur meri dua hai ki audience pasand kare mujhe on stage. I'm thankful to Dawar, of course he's a genius as everybody know that he is a genius and I'm glad that I've gotten a chance to work with him. When the first time he came to me aur unhone mujhse pucha ke aap sana ka role karengi to main dar gayi kyunki mujhe pata hai ki wo zara mushkil insaan hai kaam karne ke liye because he's a perfectionist as what I've heard and so मैंने उनसे एक हफ्ते का टाइम लिया और उसके बाद मैंने सोचा कि दिस इज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी एज वेल एंड वर्किंग विद हिम इज गोइंग टू होपफुली चेंज माय होल परसेप्शन ऑफ एक्टिंग एंड लुकिंग एट माय सेल्फ एज एन एक्टर. सो मेरे साथ एक बहुत प्यारी पर्सनैलिटी यहाँ मौजूद है. वहा हाय वहा हाउ आर यू. माशाल्लाह से यू डूइंग वंडरफुल जॉब ऑल द टाइम. आई हैव सीन योर वर्क एवरीवेयर. सो टेल मी अबाउट व्हाट अनकही के बारे में आप जो कर रहे हैं इसमें क्या है होने वाला. अनकही जैसे कि मिलेनियल्स एंड सेंटेनियल्स के लिए दोनों के लिए इक्वली रेलेवेंट बनाने के लिए इस कल्ट क्लासिक को जो है थिएटर पे कॉपीकैट प्रोडक्शन स्टेज कर रही है. दावर महमूद इज नो न्यू नेम टू द इंडस्ट्री. बहुत जाने माने डायरेक्टर हैं. इसके अंदर हामना इलियास हैं, इसके अंदर साजिद हसन हैं, इसके अंदर शायद मैं भी हूँ एज वन ऑफ द कास्ट.
कंफर्म करूंगा मैं आपको कुछ दिनों तक. जो अनकही ओरिजिनल ड्रामा था, जो अनकही ओरिजिनल ड्रामा था वो उसकी स्टोरी जो है उसी खूबसूरत तरीके से जो एक लड़की की दुनिया है जिसमें वो रहती है, जिस फैंटेसी में वो रहती है, उसको एक्सप्लोर किया गया है और उसको बहुत रेलेवेंट बनाया गया है आजकल के टाइम के साथ, आज के सिनेरियो के साथ. दावर का मैजिक ही ये है कि वो स्टोरी को इतने खूबसूरत तरीके से बुनता है कि वो चाहे वो यू नो 14-15 ईयर ओल्ड का बच्चा हो या फिर एक यू नो मिडिल एज्ड खातून हो या मर्द हो या कोई ओल्डर जनरेशन हो, तो सारे ही इक्वली रिलेट करते हैं उसके नैरेटिव को बुनने के साथ. सो ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी लाइट फन फिल्ड फैंटेसाइज रोमांटिक कंटेम्प्रेरी. इसमें आपका प्लेयर डांस भी है राइट? 100%. आप थोड़ा स्टेप करके बताएं, ऐसे छोड़ेंगे नहीं हम आपको. अभी तो इस पे काम शुरू नहीं किया, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है. ओके, तो आई कांट रियली डू अ स्टेप एज सच, बट आई विल, आई प्रॉमिस दैट व्हाटएवर अपडेट्स यू विल गेट इट थ्रू इरफानिस्तान. सो मस्तानी कह रहा हूं, सॉरी. सो जितना भी अनकही का बीटीएस है वो आपको इरफानिस्तान के थ्रू ही नजर आएगा. ग्रेट, थैंक यू सो मच. थैंक यू.